बीबीएन न्यूज की तरफ से मोहम्मद वाजी, हैदराबाद दक्कन वुड जो फिल्म इंडस्ट्री है, बेहतरीन अदाकार टाइगर सुल्तान के नाम से जो मशहूर है, सबके दिल अजीज तौफीक खान साहब, उनसे हम लोग ये ड्रग रैकेट के बारे में डिटेल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारी नौजवान नस्ल चाहे कोई भी मदद की हो, वो तो ये ड्रग से जो है ना खत्म हो रही है। आज अगर पैसे वालों के माँ बाप, जिसके नहीं पैसा है, अगर पैसा नहीं है भी तो वो लोग चोरी कर रहे हैं और अपने घरों के जेवर बेच रहे हैं और जाने क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, बाइक बेच रहे हैं, कार बेच रहे हैं, चेनी स्नेचिंग कर रहे हैं, ये ड्रग्स के खातिर। और हमारे केसीआर साहब को अल्लाह अच्छा रखे, ये मुहिम जो चलाए हैं, अकुल सबरवाल जी जो अब हेड हैं, बड़ा ही पेपरों में हंगामा हो रहा है, अल्लाह जो है ना उनको हयात दे, थ्रेटिंग आ रही है उनको, तो हक के मामले में तो खैर कुछ होएगा नहीं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे जो भी पकड़े जा रहे हैं टॉलीवुड के सब पकड़े जा रहे हैं, ये तो हम लोग भी हैं, जैसे हमारी छोटी इंडस्ट्री है, हम लोग भी स्क्रीन पे हीरो वीरो बन के फिरते हैं। ये मेरी नज़र में तो कोई भी हीरो नहीं है, मेरी नज़र में अभी फिलवक्त राइट नाउ जो हीरो है वो है अकुल सबरवाल जी, और इसमें जो बेच रहे हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा जो है ना सख्ती पनिशमेंट देना चाहिए, और जो खरीद रहे हैं अब उनको तो नहीं पता चलता है कोई जो है ना कहीं से खरीदेंगे, मैं शायद बेच रहा हूँ, आप जो है ना खरीद के लेके जाएंगे, तो आपको अगर पकड़ेंगे तो मेरे को नहीं लगेगा, मेरे पे खत्म नहीं कर रहा, मेरे पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, ये ड्रग्स से। क्योंकि आजकल जो है ना नौजवान ये जो ले रहे हैं इतने जो है ना कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं क्योंकि इनकी जो है ना लाइफ ही नहीं रही थी, इन्हों कोई चीज के काबिल ही नहीं रहते, इनका माइंड जो है ना बिल्कुल एब्सेंट तरीके से रहते। अल्लाह इन लोग को सबको हिदायत दे। आज मैं पेपरों में पढ़ रहा हूँ 10-11 स्कूल्स में है मासूम बच्चे है, उनका क्या कसूर है, ऐसे लोगों को तो जो है ना मारना चाहिए। 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 11वीं क्लास के बच्चे, अरे मासूम रहते हैं भाई, 20 साल तक तो बच्चों का जो है ना अपना माइंड सेट नहीं होता, वैसे मासूम बच्चों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। इसमें से अगर जो है ना कोई निर्दोष है तो इसको जो है ना अकुल सबरवाल जी से रिक्वेस्ट है, सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि उन लोग को जो है ना जजमेंट देना चाहिए, उनको कैसे छुड़ाना चाहिए, उनको जो है ना उनके अपने घर वालों को ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको भी पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन नहा के हम किसी को तकलीफ नहीं देना है। ये लोग हमको इतनी ज्यादा तकलीफ दे दी है, इनको जड़ पेड़ से जो है ना खत्म करना चाहिए। इसकी जड़ें पूरी हमारे नौजवानी नस्ल को, चाहे कोई भी मजहब का हम दो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी मजहब का हम दो, नौजवान नस्लें बर्बाद हो जा रहे हैं। क्या हालत है बच्चों की, 28 की कमर, एक अगर हम जैसे लोग मार दिए तो सीधा जाके दीवार पे पोस्टर आ जाते, क्या है ये, ड्रग्स एडिक्ट है और दूसरे शौका है, पबों में चल रहा है। अब ये मुहिम उठाए हैं सीएम साहब और अकुल सबरवाल जी उठाए, हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। ड्रग एडिक्शन के मामला में जो है नाइट लाइफ का किस हद तक रोल है और किस हद तक नाइट लाइफ इसमें जिम्मेदार है और कौन सा पहलू, जैसे कि अच्छे भी है इसमें, अच्छे लोग भी नाइट लाइफ में, मतलब अच्छे पार्टीज भी होते हैं। ये जो नाइट लाइफ है हमारे शहरों की, काफी हद तक ये ड्रग्स एडिक्ट में जो है ना ये लोग जिम्मेदार दिख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई होटल में, अगर हम भी अगर सैटरडे वोटरडे गए, हम भी जाते थे 4-5 साल पहले पबों में जाते थे हम भी, क्योंकि माहौल देखने के लिए जाते थे। क्यों माहौल देखने के लिए जाते थे बोले तो कल के दिन हमारी औलाद भी बड़ी होंगी तो हम बता सकते हैं ये अच्छा ही है और ये बुरा ही है, मैं भी गया हूँ पबों में। लेकिन आजकल जो इन दिनों जो नाइट लाइफ चल रही है वो बिल्कुल जो है ना मेरे समझ में नहीं आ रही, सब नशे के धुत। अब उसमें ड्रग्स भी हो सकता, उसमें शराब भी हो सकती, उसके अंदर जो है ना ज्यादा मेजॉरिटी में खवातीन है, और सारे स्टार होटलों में जाओ तो मदहोशी में हो रहा है, तो लोग को जो है ना अब जैसे हम हैं तो जाने के लिए शर्म आ रही है, वहां पर इतना बदतमीजी चल रही है। और यहाँ पर भी काफी हद तक जिम्मेदार जो है ना ये नाइट लाइफ है। तो अब जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं अकुल सबरवाल जी और सीएम साहब,
ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो जो है ना काफी पब्लिक का भी आपको सपोर्ट होगा और मेजॉरिटी में जो है ना छोटे से लोग ही हैं ड्रग्स एडिक्ट और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये खत्म हो जाएगा और काफी जो है ना हद तक शहर में चर्चे पेपर जब उठाएंगे तो डेली जो है ना मेरे हीरो बनूंगा अकुल सबरवाल जी दिख रहे हैं, हमारे सीएम साहब दिख रहे हैं, तो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह जो है ना इनके काम में जो है ना तरक्की दे और ये अच्छी मुहिम चला रहे हैं, हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला जो है ना नेक तौफीक दे चाहे कोई भी मजहब का हो। इंडस्ट्री के जो लोग हैं जी सर, उनके लिए कुछ मैसेज? अब फिल्म इंडस्ट्री के तो हमारी इंडस्ट्री तो बड़ी छोटी है, हमारे सीएम साहब भी जो है ना हमको सब्सिडी दिए नहीं, हम लोग गिनती में भी नहीं ले रहे हैं, वो तो बड़ी टॉलीवुड इंडस्ट्री है, अगर जो लोग ले रहे हैं तो उनको पनिशमेंट देना चाहिए, आज नहीं बल्कि ये 3-4 साल से पेपरों में आता है फला फला जो है ना पकड़े गए, फला फला पकड़े गए, सबसे ऊंचा हो गया ये ड्रग माफिया, अभी जो है ना एक्शन ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो ये मुहिम को रोकना नहीं चाहिए, पूरा ड्रग्स माफिया को खत्म करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग भी जो है ना सपोर्ट करेंगे, बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और मेरे स्कूल के जो छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर तरस आ रहा है कि वो लोग को जो है ना जल्द से जल्द आप लोग ऐसे स्कूल्स में जो चल रहा है रैकेट ड्रग्स माफिया का, मेरे ये जो मासूम बच्चों को इनको बचाइए भाई। और एक मेरी अपनी रिक्वेस्ट है, ये भी मेरे कहने जो है ना 5-6 वाले वो आ रहे हैं क्योंकि मेरा जो है ना क्रेन सुपारी जो होता है बिटिल नेट पाउडर वो मेरा बिजनेस है, मेरा इसका रोजगार है क्रेन बिटिल नेट पाउडर का, तो मैं पब्लिक का और हमारे पान के डब्बे वालों का मैं रिव्यू मैं तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ सीएम साहब को और काफी देखने वाले आला अहदेदार को मैं जो है ना बताना चाह रहा हूँ कि जर्दे को जो है ना पुलिस वाले पकड़ने हैं और ये तंबाकू जो है ये हमारे निजाम की और ये जितने भी रहते निजाम स्टेट के हिंदू मुसलमान ये हमारी परंपरा है कि हम जर्दा खाना हमारे जो है ना बाप दादा परदादा से आया, आज पुलिस वाले जर्दे के डब्बे उठा के लेके चले जा रहे हैं। अरे भाई गुटखा बैन है, ऑल इंडिया में बैन है, गुटखे को बंद कर दो और ये पान मसाले ये जर्दे को तो जो है ना खुला रखना चाहिए। 1 लाख आदमी शहर में बेरोजगार हो जाते, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी मुहिम चला दो, अगर कोई गुटखा बेचने वाले को लेके जाके आप जो है ना अंदर डाल दीजिए, हमारे को कुछ नहीं है, ये हमारी निजाम की पुरानी परंपरा है जर्दा, ये हमारे पान मसाला, ये हमारे वालदा दादी दीदी नानी जो रहते थे बड़ा जो है ना वो पानदान ले लेके ओगालदान लेके सुपारी काटते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी खाते थे, ये परंपरा को भी सीएम साहब बर्खास्त कर दिए और सीएम साहब खुला बोले कि गुटका मटका ये बर्खास्त होना चाहिए, बिल्कुल हम लोग आपके साथ में है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना सब उठा के लेके चले जा रहे हैं जबकि बैन आइटम नहीं है उसमें भी लेके चले जा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि ये भी इसके ऊपर भी जेरे गौर किया जाए और 1 लाख आदमी यहाँ पर बेघर होने के जो है ना चांसेस है, तो पान मसाला और ये पान के डब्बे का जो लाइन है एक पान के डब्बे पे 5 आदमी कमाते हैं जो 200-300 रुपए लेते हैं, तो 5 आदमी के 50 आदमी घर चलते हैं, उस हिसाब से 1 लाख आदमी 13-14 हजार पान के डब्बे वाले, यहाँ हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद में 13-14 हजार पान के डब्बे है, तो 1 लाख आदमी बेघर हो सकते हैं। गुटके को पूरी तरीके से बैन किया जाए और गुटका जो बेचने वालों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, आज पान मसाले को भी जो है ना ये पकड़ रहे हैं, तो मेरे मीडिया के थ्रू मेरे भाइयों के थ्रू मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी देखा तो हमारे लिए सिर्फ मदद कीजिए क्योंकि हमारे 1 लाख आदमी जो है ना बेघर हो जाते हैं। मैं खुद पान का शौकीन हूँ और काफी लोग शौकीन है, इससे हाजिमा होता है लंच वंच डिनर वनर करने के बाद, तो मेरी गुजारिश है कि जो है ना ये तंबाकू को जो है ना ये मद्देनजर रखे 1 लाख आदमियों का जो रोजगार का मसला है उसके लिए जेरे गौर करें हमारे केसीआर सर, और जो है ना ये पान खाने से बुरा नहीं है, ये हमारे बाप दादा नाना नानी वालदा वालिद ये सब खाते हैं और देखिए मेरे होठान दाल है, मैं खुद भी पान खाता हूँ और अभी आप लोगों के सामने भी मैं पान खाऊंगा, अल्लाह खैर का मामला फरमाए,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بی بی این نیوز شبیر گوجانی بھائی اور ان کی ٹیم کو یہ ڈرگس کے معاملے میں میرے سوشل ایکٹیویٹیز دیکھے جو میرے پاس آئے تو میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ذرا زیر غور کیا جائے گٹکا مٹکا مٹکا. تھینک یو.